बॉडी शॉट लगता है ओम का। और अब ग्रोजा के साथ हेडशॉट ही हेडशॉट भर दिए मैंने बंदों के। अब मैं निकलता हूँ इनको मारने के लिए, मुझे इनके टीममेट की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी तो मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, ओम रिलोड करता हूँ और देखना गाइस मजा आ जाएगा आपको। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कुछ भी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। तो गाइज यार, ये हमारी कंपेयर सीरीज की वीडियो है, मतलब कंपेयर सीरीज की वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम लव वन गेमिंग और गेम वाई के कंपेयर करने वाले हैं गेम प्लेस को, ठीक है। तो अभी आप लोग को पता चली गया होगा यार, जो मेरे पुराने मतलब सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको तो पता चली गया होगा कि भाई ये वीडियो में होने क्या वाला है। पर जो नए व्यूवर हैं उनको बता दूं भाई कि ये कंपेयर सीरीज की वीडियो है, तो कोई भी अंडरस्टैंड कमेंट करके मेरे दिल को मत दुखाना, क्योंकि हमारा इरादा नहीं है आपको चोट पहुंचाना, तो समझ लो यार, ठीक है। तो भाई प्लीज़ जो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है यार, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं बकैती करके ये वीडियो आप करूं। तो हाँ, उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई लव वन गेमिंग और हमारे गेमिंग बॉय भैया, आप दोनों से हाथ पैर दोनों जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपीराइट जैसी छोटी चीज़ दे करके दिल मत दुखाना यार, क्योंकि हमारी भावना आपको से ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आओ यार लगाएंगे प्लीज़। और हाँ भाई लोग, कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब कौन से यूट्यूबर की कंपेयर वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ बता देना यार। और आपका बेस्टी कौन है ये भी कमेंट में बता ही देना यार। आप लोग चल रहा, और ये भाई साहब देखते हैं मुझे हीलिंग करते हुए। और काश इस बंदे को मैं पहले ही पूरा फिनिश कर देता तो यहाँ पे मेरा किल नहीं चोरी होता। अब देखो मेरा कतई खून चल चुका था तुम्हें पता है, लेकिन मेरे को ये भी पता था उसके पास एस्टल के है तो जीतना काफी मुश्किल है। अब देखो मैंने ये क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये वाला किल सिक्योर करा क्योंकि एस्टल के वाले का कोई भरोसा नहीं, ये मुझे भी मार जाएगा फिर मेरा किल भी ले जाएगा। तो पहले मैंने अपना किल सिक्योर कर लिया और मुझे पता था लोंडे के पास एस्टल के है, अगर इससे जीतना है ना तो बहुत ज्यादा मशक्कत करके जीतना पड़ेगा। और मेरी वेस्ट आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी कितनी ज्यादा डैमेज है, तो भाई ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर ही कह सकते तुम लोग। अब देखो मैं जल्द से थोड़ा बहुत पूरा हील कर लेता हूँ अच्छी तरह, जिससे कि इससे फाइट हो तो काफी सही रहे। पूरा हील तो हुआ नहीं क्योंकि अपने को आदत है एक अंदर वो है कि हाँ भाई रस करना है तो करना है। मैंने एक स्टन फेंका ऊपर की तरफ जिससे अंधा हो जाए। ये बंदा जैसे नीचे की तरफ आया ना, मेरी दिल की धड़कने थे, इसमें वापस से रश करने गया। इस बार भाई ने तीन एस्टल के चला दिए और ये गलती से मेरे छप जाती ना गाइस तो मैं मुश्किल ही बच पाता यहाँ पे। अब देखो ये बंदा ना मोली कर देता है, मतलब कतई सिक्योरिटी ओपी लेवल कर रखी थी बंदे ने। कोई नहीं, मोली कर दी, मोली जैसे बंद होती है ना मैं जाता हूँ ऊपर एक स्मोक करने और अब इसके टीममेट भी आ जाते इसके साथ, मतलब एस्टल के तो ले रखे और अब टीममेट भी आ चुके हैं, तो देखना कैसे हैंडल करते हैं। एस्टल के वाला बंदा जैसे है मैं आता हूँ ऊपर की तरफ और अब जरा सुने क्या बोलते हैं। यूट्यूबर भाई खत्म। अब भाई ने देखो मेरे को कभी धमकी दे दी कि यूट्यूबर भाई खत्म और अब मेरी वेस्ट। आप लोग नजर डाल सकते हो, इनका तीसरा बंदा आ चुका था जिसे कि मैंने नॉक कर दिया, मतलब इनकी टीममेट्स की तो मैंने कतई फाड़ दी थी, लेकिन ये एस्टल के वाला भाई जीने नहीं देगा। देखना, मैंने तीन नॉक कर चुका था मैं और मैंने सोचा टीममेट्स को मैं इसके पूरा फिनिश कर देता हूँ क्योंकि मुश्किल है यहाँ पे बचना, क्योंकि बंदे के पास एस्टल के है और मैं वापस से सर्वाइव कर गया। मैं सोचा था भाई पता नहीं मैं बच कैसे रहा हूं और अब मैं वेस्ट अपनी खो चुका हूं बिल्कुल। और भाई जो भागम दौड़ी मच रही थी ना यहाँ पे, मैं सोचता था कि पता नहीं क्या होगा, मैं बचूंगा या फिर क्या सीन होगा। कॉन्फिडेंस तो काफी सही था मेरे अंदर, लेकिन जैसे हीलिंग्स पे नजर जाती है ना मैं समझ गया भाई गलत सीन होने वाले हैं। बंदा पीछे से मेरे को मारा था और अब गाइज अंत समय आ चुका है। मैं थोड़ा बहुत बैंडेड लगा लेता हूँ।
I need a weapon. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता तो आई होप गाइस कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा इस वाले वीडियो में। मतलब यार अलग ही लेवल था भाई। तो यार कमेंट में मेरे को ये ज़रूर बता देना कि आपको किसके गेम प्ले ज़्यादा अच्छे आए। वैसे हाँ मुझे पता है लोवन का मैंने सिर्फ थर्डिल के क्लिप्स उठाई है यार, वो इसलिए क्योंकि भाई 1v4 क्लचेस तो मुझे मिल ही नहीं रहता साले, और उतना मेरे को नेट भी नहीं मिलता है भाई कि मतलब
क्लिप्स बार बार मतलब वीडियोस देखूं, ठीक है, और हाई क्वालिटीज में निकाली रहती है यार 180p में, तो उसमें तो 5 मिनट भी देख लोगे ना यार, 1 GB डाटा खत्म, समझ रहे हो ना यार, तो अंदर की फीलिंग समझो और प्लीज़ जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार फिर मिलूंगा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माई गाइस, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।